केस नेम दीपक वर्मा, एज इज 23 इयर्स, टुडे डेट इज 22 दिसंबर 2020। दीपक जी, मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपका स्पीच सैंपल चाहिए। अपने बारे में और अपने प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सर, मेरा नाम दीपक, मैं भोपाल में रहता हूँ और बहुत पतली है और इसके कारण जॉब में दिक्कत आती है। मतलब ठीक है, क्या दिक्कत होती है? मतलब लोग फोन पे मैडम भी बोल देते हैं आपको जब बात करते हैं तो? किसी से बात करने में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहता, ये मतलब सामने वाला क्या सोचती है। पोस्ट थेरेपी वीडियो ऑफ दीपक वर्मा एंड टुडे 12th of January 2021। तो दीपक जी, ट्रीटमेंट के बाद का स्पीच सैंपल चाहिए, बताइए कैसा लग रहा है और कैसे कमेंट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है और मतलब वॉइस एकदम अच्छी हो गई है, मतलब फीलिंग बहुत, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब लोग पहचान जा रहे हैं आपको या पहचाने में मुश्किल हो रही है? तो सर, पहले तो पूछते हैं कि मतलब दीपक ही बोल रहा है ना, तेरी वॉइस एकदम चेंज हुई है। अच्छा, तो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी? ट्रीटमेंट से पहले क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? सर, मुझे हाई पिच वॉइस की प्रॉब्लम थी और मतलब कम्युनिकेशन स्किल में बहुत डिफिकल्टी होती थी और सर इससे मतलब जॉब वॉब कहीं पर भी मतलब बोलने में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता था उतना। तो आज आपने फोन किया था या किसी एक दोस्त का फोन आया था, तो उसका कैसा रिएक्शन था काफी दिनों के बाद जब आपने बात किया तो? सर, वो शौक था। क्या बोल रहे थे आपके दोस्त? सर की मतलब दीपक बोल रहा कि और कोई बोल रहा? अच्छा, और अब अपनी हॉबीज बताइए। सर, मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना और इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी इंटरेस्टेड हूँ। ओह ग्रेट। अच्छा, तो क्या मैं आपकी वीडियो अवेयरनेस के लिए अपने YouTube चैनल, Facebook, दूसरे सोशल मीडिया में यूज कर सकता हूँ? यस सर। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे क्लिनिक में जो है पिच और लाउडनेस का करेक्शन तो हम लोग करते ही हैं। जैसे कि अगर लड़कों में लड़कियों जैसी आवाज़ है तो उसका तो ट्रीटमेंट करते ही हैं। उसके अलावा हॉर्स वॉइस, ब्रीदी वॉइस है अगर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से, उसका भी हम लोग स्पीच थेरेपी देते हैं। कुछ लोग अगर अटक अटक के बोलते हैं, स्टैमरिंग हकलाने की समस्या है, उसका भी स्पीच थेरेपी देते हैं। किसी की आवाज़ सडनली चली गई है, कभी कभी साइकोलॉजिकल रीजन से भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल एफोनिया, बिल्कुल वॉइस है ही नहीं, उसका भी हम लोग वॉइस थेरेपी देते हैं और हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा है। और थैंक यू कि आपने हम पे भरोसा किया, थैंक यू सो मच। और जो लोग भी इसको देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे वेबसाइट पे हमारे बारे में ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट है www.speechtherapyindia.in।